हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णोतार पांडे फ्रॉम SBN इंटर कॉलेज नरपतखेड़ा पारा लखनऊ से आज आपको हम क्लास 6 की इंग्लिश लिटरेचर से लेसन नंबर 4, इसका नाम है द डंकी एंड द डॉग, पढ़ाने जा रहे हैं। आप इस पर ध्यान से देखें, इंग्लिश को पढ़ने के साथ साथ उसकी हम हिंदी भी आपको बताएंगे, उसे आप ध्यान से देखें। अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। वॉशरमैन कहते हैं धोबी को। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स। हर सुबह वह नदी पर कपड़े धोने जाया करता था। द डंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लॉथ्स। डंकी उसके लोड को अर्थात बोझे को ले जाया करता था। द डंकी लिव्ड इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। वह डंकी अर्थात वह गधा अपने मालिक अर्थात धोबी के बाहर बने एक मड़ाव में या मड़ैया में रहता था। द डॉग स्टेड इनसाइड द हाउस ऑल डे। जबकि कुत्ता पूरे दिन उसी घर के अंदर रहता था। इन द इवनिंग ही वॉज हैप्पी व्हेन हिज मास्टर केम बैक। एक दिन शाम को वो बहुत खुश था जब उसका मालिक वापस घर आया। ही लिक्ड हिम एंड जम्प्ड ऑन हिम। उसने अर्थात कुत्ते ने उसको चाटा और उस पर उछल कूद करने लगा। द मास्टर लिफ्टेड द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टुक हिम इनसाइड द हाउस। मालिक ने उस कुत्ते को अपनी बाहों में उठा लिया और लेकर घर के बाहर गया, सॉरी इनसाइड द हाउस, घर के अंदर ले गया। द डंकी ऑल्सो वॉन्टेड टू लिव इन द हाउस। गधा भी घर के अंदर रहना चाहता था। आई माइट ऑल्सो एक्ट लाइक द डॉग, ही सेड टू हिमसेल्फ। गधे ने अपने आप से कहा, मैं भी तो कुत्ते की तरह ही काम कर सकता हूँ। देन ही विल श्योरली लिफ्ट मी इन हिज आर्म्स। तो वो तो मुझे भी मेरा मालिक अपनी बाहों में उठा लेगा। ही विल श्योरली कैरी मी इन टू द हाउस। तो वो भी मुझे भी अपने घर के अंदर ले जाया करेगा। द नेक्स्ट इवनिंग द डंकी वेंट इन टू द हाउस। अगली सुबह वह गधा घर के अंदर गया। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर। वह अपने मालिक के ऊपर कूद पड़ा। ही बिगेन लिकिंग हिम और वह अपने मालिक को चाटने लगा। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी। मालिक ने डंकी को उठाया नहीं। ही टुक हिम टू द शेड। वह उसे ले जाकर फिर से उसी मड़ाव अर्थात मड़ैया में रख दिया। यू आर नॉट लाइक द डॉग, ही टोल्ड द डंकी एज ही पैटेड हिम। मालिक अर्थात धोबी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम बहुत भारी हो। सो यू कैनॉट कम इन टू द हाउस, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। यू आर ऑल्सो हैवी एंड सो यू मस्ट नॉट जम्प ऑन मी। तुम भारी भी हो इसलिए तुम्हें मेरे पर कूदना नहीं चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ। बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, परंतु मैं आपको नहीं उठा सकता। आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, परंतु मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपने कुत्ते को प्यार करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट। तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए कि तुम एकदम अलग हो, इसलिए अपनी तुलना उस कुत्ते से न करो। इस तरह आपका लेसन जो है पूरा हो गया है। अब लेसन पढ़ने के बाद यूँ तो हम आपको दिखा देते हैं कि कुछ वर्ड मीनिंग भी होते हैं। जिन बच्चों के पास बुकें नहीं होंगी वो बच्चे इस वीडियो द्वारा अपनी वर्ड मीनिंग को भी देख सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन आंसर भी होते हैं जिन्हें करना होता है। आप देख सकते हैं वीडियो में, शेड मीन्स छप्पर, टू लिक मीन्स चाटना,
तो जंप मीन्स कूदना, पैटेड मीन्स थपथपाया। उसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं, नेम द एनिमल्स द वॉशरमैन हैड, बहुत आसान सा आंसर है कि जब आपने पाठ पढ़ा तो आपने जाना कि वॉशरमैन के पास कौन कौन से जानवर थे, तो आपको सिर्फ नाम बताना है। तो नेम द एनिमल्स द वॉशरमैन हैड अ डॉग एंड अ डंकी, हो गया आंसर। वाई कुड द वॉशरमैन लिफ्ट द डॉग, अर्थात धोबी ने या धोबी कुत्ते को क्यों उठा सका। तो जाहिर बात है कुत्ता वजन में हल्का होता है, तो आप लिख सकते हैं आंसर, द वॉशरमैन कुड लिफ्ट द डॉग बिकॉज इट वॉज लाइट वेट। कुड ही लिफ्ट द डंकी टू, वाई, क्या वो गधे को भी उठा सकता था, क्यों, तो आप इसके सिंपल आंसर लिख सकते हैं, नो ही कुड नॉट लिफ्ट द डंकी बिकॉज डंकी वॉज सो हैवी। क्या आंसर हो सकता है इसके लिए, वॉट डिड द डंकी वॉन्ट, डंकी क्या चाहता था। हमने आपको पार्ट में बताया है कि डंकी भी ये चाहता था कि वो भी घर के अंदर रहे और उसका मालिक भी उसे गोदी में उठाए, उसके साथ प्यार करे। इसी बात को आपको अंग्रेजी में लिख देना है, द डंकी वॉन्टेड टू लिव इन साइड द हाउस एंड ही ऑल्सो वॉन्ट द मास्टर लव हिम, शुड मास्टर लव हिम, वॉज ही हैप्पी बींग डिफरेंट फ्रॉम द डॉग, वॉज ही हैप्पी, क्या वो कुत्ते की अपेक्षा या कुत्ते की तरह या अलग प्रकार से खुश था। तो खुश तो था ही भाई, मालिक उसे भी प्यार करता था, मालिक ने कह दिया था कि मैं तुम दोनों को प्यार करता हूँ, लेकिन कुत्ता चूंकि वजन में हल्का होता है इसलिए मैं गोदी में उठा लेता हूँ, तुम भारी हो तो तुमको मैं नहीं उठा सकता। तो जाहिर बात है कि मालिक तो गधे को भी उतना ही प्यार करता था, तो आप लिख सकते हैं, यस मास्टर लव हिम इक्वल टू द डॉग। व्हाट डिड द वॉशरमैन टेल द डंकी, अर्थात वॉशरमैन ने डंकी से क्या कहा। द वॉशरमैन टोल्ड टू डंकी दैट यू हैव अ लॉट ऑफ वेट सो यू शुड स्टे इनसाइड द शेड, आपको चाहिए कि आप शेड यानी छप्पर में रहें क्योंकि आप बहुत भारी हैं, घर के अंदर आप नहीं रह सकते। हु डिड द मास्टर लव टू, हु डिड द मास्टर लव टू, अर्थात मास्टर किसको प्यार किया, तो प्यार करने के लिए उसने डंकी को भी प्यार किया और कहा भी कि मैं तुम्हें डॉग के बराबर ही प्यार करता हूँ, बट कैरी नहीं कर सकता। अगली प्रॉब्लम में क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, लेसन आपने पढ़ा तो करेक्ट ऑप्शन टिक करना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। द डंकी वॉज बिग और स्मॉल, डंकी बड़ा था या छोटा था, तो आपको पता है डंकी बड़ा था, तो आप लिख सकते हैं डंकी वॉज बिग। फिर ही लिव्ड इन अ हाउस शेड, वो रहता था कहाँ, घर में या छप्पर में, तो आपने पढ़ा छप्पर में इसलिए शेड को टिक कर दीजिए। द डॉग डंकी, डॉग डंकी कैरीड क्लॉज टू द रिवर, अर्थात डॉग या डंकी में से कौन नदी की ओर कपड़े ले जाता था, तो आपने पढ़ा है डंकी के बारे में, तो आप डंकी को टिक कर दीजिए। द वॉशरमैन कैरीड हिज डॉग डंकी इन टू द हाउस, वॉशरमैन जो है किसे घर के अंदर ले गया, डंकी को या डॉग को, तो आपको मालूम है कि डॉग हल्का फुल्का एक कुत्ता होता है, जानवर होता है जिसे कहीं भी रखा जा सकता है, इसलिए वो कुत्ते को अंदर ले गया डंकी को नहीं, क्योंकि डंकी भारी होता है। इस तरह से आपने देखा कि पूरे लेसन आपने पढ़ लिया, साथ साथ में वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर भी जान लिया। अब एक पैराग्राफ है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ऊपर जिनमें से चूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। यूँ तो आपको वीडियो में दिख जाएगा कि कहाँ पर कौन सा वर्ड फिल किया गया है, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। अ वॉशरमैन हैड अ डॉग एंड अ डंकी, द डंकी कैरीड द क्लॉथ्स टू द रिवर, द वॉशरमैन वॉन्ट वॉश द क्लॉथ्स, हिज डॉग लिक्ड एंड जम्प्ड ऑन हिम व्हेन ही केम बैक, द मास्टर लिफ्टेड द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टुक हिम इनसाइड द हाउस। इस तरह से सारे वर्ड्स यूज हो गए और एक ये पैराग्राफ बन गया। ये था आपका एक लेसन जो
फोर्थ नंबर था क्लास 60 इंग्लिश लिटरेचर से, और मैं कृष्ण अवतार पांडे, जिन्होंने आपको ये लेसन पढ़ाया समझाया। हम अपने लेक्चर को बंद करते हैं, धन्यवाद।